PSL में स्पिन बॉलर्स का इतना आउटशाइन होना, इज इट अ पॉजिटिव साइन फॉर द नेशनल टीम कि हमें स्पिन बॉलर्स मिल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से? उसामा मीर और अबरार, इनको अगर अपनी बैटिंग पर थोड़ा फोकस कर लें, इसी तरीके से परफॉर्मेंस अपनी रखें, तो फिर कोई दूरी नहीं कि ये पाकिस्तान टीम में जगह बना ले। तीसरा मैच कराची अपने पहले दो मैचेस होम ग्राउंड पर हार चुकी है। नाउ इट्स रियली क्रूशियल फॉर देम टू विन दिस मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। कराची किंग के लिए बड़ा धक्का ये है कि पोलार्ड उनके नहीं है, ऐसे मौके पर हमेशा उन्होंने क्रूशियल इनिंग्स खेली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू वाचिंग पीएसएल 9 स्पेशल शो ऑन जियो डिजिटल। टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट वॉश्ड आउट मैचेस, जो कि पिंडी लेग में पिंडी के फैंस जो हैं वो बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे मैच 17 और मैच 18 का, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, बारिश आई और मैच वॉश आउट हो गया दोनों मैच। पहला मैच जो है वो पेशावर जर्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होना था, वो वॉश आउट हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो मैच था वो भी वॉश आउट हो गया और हर टीम को एक एक पॉइंट्स मिले, जिसमें कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर्स पर कुदरत फाइनली मेहरबान हुई कि एक पॉइंट तो जाए इस टीम के लिए। खैर, हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान, जो लाहौर ने आगे तीनों मैचेस लाहौर को हरवा दिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चले जी, कम से कम एक पॉइंट तो मिले। यस, कम से कम एक पॉइंट तो मिले। सही बोला मैंने, कुदरत मेहरबान हो गई लाहौर कलंदर्स पे। यहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप इनका कहने का मतलब ये है कि लाहौर के आगे तीन मैच जो बाकी हैं वो भी वो हार जाएंगे और ये एक पॉइंट बारिश की वजह से उनको मिल जाएगा। यस, ऐसा ही लग रहा है, अब जो कंसेक्यूटिवली हार रही है तो चले एक मोटिवेशन कुदरत की तरफ से उन्हें मिला, लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। दोनों मैच वॉश आउट हो गए। अब कुदरत का, जैसे आपने कहा बारिश का, तो किसको कुछ कह नहीं जा सकता। और बारिश भी खूब हुई कि एक मैच भी नहीं हो सका, दोनों मैच ही वॉश आउट हुए। और फिर एक्चुअली यहाँ स्टेडियम में पानी भी बहुत जो है वो जगह जगह खड़ा हो गया था, आउटफील्ड बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। पिंडी वालों, टिकट आपके रिफंड हो जाएंगे, पीसीबी की पॉलिसी है, कोई इशू नहीं है, वो पीसीबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो रिफंड हो जाते हैं। और आप रिफंड पॉलिसी है, पैसे हो सकता है कुछ दिनों बाद मिले आपको, लेकिन ये कि रिफंड पॉलिसी पीसीबी की है, वेबसाइट पे जाएं अप्लाई करें। अगर आपने पहले से टिकट लिया हुआ है तो आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बोले हमारे पहले मैच बारिश की नज़र हो गए थे, हम दूसरा मैच जाके अच्छा ये पे देख लें। पैसे वापस के प्रोसीजर हाँ दोबारा बताएं प्रॉपर, क्योंकि हर किसी को अंदाजा नहीं होता पैसे कैसे वापस होंगे, क्या करना होगा उन्हें। देखें, रिफंड पॉलिसी जिस तरीके से, अगर आपने ऑनलाइन लिए हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर आपने उस कोरियर कंपनी के स्टॉल से जाके लिए हैं या उनकी शॉप से जाके लिए हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपने जमा कराई थी वो टिकट्स आप जमा कराएंगे, तो रिफंड पॉलिसी जो है पीसीबी की काफ़ी लंबी चौड़ी है, वो देखते हुए आप जाएं और अपने टिकट ले लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस टिकट पर आप आगे कोई मैच देख लें। हाँ, ये टिकट रिफंड कराएं, पैसे दें, आगे का एक और टिकट लें, मैच देखें, ये पैसे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा ताखिर जरूर होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आप टिकट जाएंगे हाथ के हाथ आपको पैसे मिल जाएंगे। चले जी, अच्छी बात है, अतीकुर रहमान ने आपको प्रोसीजर बता दिया, आपने अपने पैसे वापस लेने हैं और उसी पैसों से फिर आगे टिकट ले लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, सेल्फी नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि अब देखते हैं पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है। मैंने फोन उठा लिया है, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देखें, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर है मुल्तान सुल्तान्स विद 10 पॉइंट्स, टेबल टॉपर्स अगेन, पूरा इरादा लग रहा है मुल्तान सुल्तान के इस बार चैंपियन बनना चाह रही है, उनकी मेहनत उनकी एफर्ट से नजर आ रहा है। नंबर 2 पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 4 मैचेस जीते हैं, दे आर विद 9 पॉइंट्स। नंबर 3 पे है पेशावर जलमी, 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, दे आर विद 7 पॉइंट्स। नंबर 4 पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 5 पॉइंट्स। नंबर 5 पे है कराची किंग्स विद 4 पॉइंट्स। नंबर 6 पे है लाहौर कलंदर्स विद फाइनली 1 पॉइंट। सो ये तो है पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन, लेकिन लाहौर कलंदर्स के कह रहे हैं कि चांसेस बढ़ गए हैं एक पॉइंट मिलने के बाद, क्या ऐसा ही है, आप क्या बताएंगे हमें? मिलने के बाद तो चांसेस मजीद कम हो गए हैं, क्योंकि अगर ये मैच हो जाता और लाहौर कलंदर जीत जाती और उसके बाद फिर आगे 3 मैचेस और हैं, तो आप वो 3 भी जीत, आपके 8 पॉइंट हो जाते हैं, फिर कोई टीम और 8 पॉइंट पर खड़ी होती और आपका रन रेट अच्छा होता तो वहां जाके एक चांसेस था। अब तो चांस लाहौर कलंदर के तकरीबन ही ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब आगे 3 मैचेस हैं, वो अगर तीनों लाहौर कलंदर जीतती है तो फिर 7 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन फिर आगे कराची किंग या पेशावर जलमी ये अपने क्या सारे मैच हारेंगे, लेकिन अगर हारेंगे तो इनके आपस में भी तो मैचेस हैं, तो थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है
बल्कि सफ़र ही ख़त्म हो गया, मैं तो यह कहूँगा लाहौर कलंदर का। और लाहौर कलंदर का राशिद खान एक सबसे बड़ी कमी, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी, डेविड वीज़ा भी नहीं थे उनके, जहाँ वो मिडल उनका जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इसके साथ साथ जो उन फास्ट बॉलर शाहीन हारिस, वो भी इंजरी का, मुख्तलिफ चीज़ें थी जो लाहौर कलंदर को सूट नहीं करी और लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैम्पियन बाहर हो गया, हैट्रिक नहीं कर सका। डेफिनेटली काफ़ी हार्ड लगे लाहौर कलंदर्स का इस टूर्नामेंट में, और आगे जैसे अतीकुर रहमान कर रहे हैं सफ़र बहुत मुश्किल है, और उनके लिहाज से तो सफ़र ख़त्म हो चुका है लाहौर कलंदर्स का। लेकिन चूंकि मैच नहीं हुआ, मैच वॉश आउट हो गया, तो एक नज़र डालते हैं कि अब तक किसने क्या रिकॉर्ड बनाया, किस खिलाड़ी ने कितने कैच पकड़े, कितने विकेट्स ली। तो पहले हम जिक्र कर लेते हैं, एक नजर डालते हैं मोस्ट कैच छोड़ने वालों का रिकॉर्ड, पकड़ने वालों का नहीं। इस पीएसएल के अंदर कैच पकड़ने वालों का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कैच छोड़ने वालों का, क्योंकि इतने कैच छूटे हैं कि ऐसे ऐसे कैच छूटे हैं, ऐसे डॉली कैचेस, ऐसे आसान कैचेस माशाल्लाह हम लोगों ने छोड़े हैं कि इस पीएसएल की एक, मतलब आप कह सकते हैं मिसाल कायम कर दी है, ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बता रही, छोड़ने का पकड़ने का हम थोड़े पॉजिटिवली चलते हैं किसकी मेहनत कितनी थी। चले जी, सबसे पहले आप नजर डालते हैं मोस्ट विकेट टेकर्स, जो बॉलर्स हैं इस पीएसएल में, किसने लिया। नंबर वन पे है मोहम्मद अली, मुल्तान सुल्तान के बॉलर, इन्होंने 6 मैचेस में कितने विकेट्स लिए, 13 विकेट्स लिए, 6 मैचेस में 13 विकेट्स लेकर मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर नंबर वन पे है। नंबर टू पे है उसामा मीर, अगेन मुल्तान सुल्तान के बॉलर, इन्होंने 6 मैचेस में 13 विकेट्स लिए हैं। नंबर थ्री पे है अबरार अहमद, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर, इन्होंने 5 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं। नंबर फोर पे है शाहीन शाह आफरीदी, लाहौर कलंदर्स के बॉलर कैप्टन, 6 मैचेस में इन्होंने लिए 9 विकेट्स। जबकि पांचवें नंबर पे हैं आरिफ याकूब, पेशावर जलमी के बॉलर, इन्होंने 3 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं। सो अतीक, आप इस लिस्ट को देखकर क्या रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, इस बार फास्ट बॉलर्स का सीजन है या स्पिन बॉलर्स का सीजन? देखें, लिस्ट में तो जो आपने बताएंगे, 3 स्पिनर्स आपने बताए, उसामा मीर और आरिफ याकूब और तीसरा अबरा जी, तीनों स्पिनर्स। और लेकिन टॉप पे मतलब 13-13 विकेटों के साथ मोहम्मद अली भी हैं और उसामा मीर भी हैं। मोहम्मद अली एक, मैं कह सकता हूँ, एक है तो पुराना खिलाड़ी, क्योंकि टेस्ट मैच पाकिस्तान से खेल चुके हैं, लेकिन आप कह सकते हैं एक पीएसएल में जो है वो मोहम्मद अली ने अपनी धाक बिठाई है। और मुल्तान सुल्तान हमेशा जो है एक क्रिएट करती है नए खिलाड़ी को, एक जो पूरे पीएसएल में छाता है। अगर आप इससे पहले देखें तो एहसान उल्लाह रहा, और इस बार मोहम्मद अली 2 टेस्ट खेल चुके हैं। इसके बाद फिर रेड बॉल का तजर्बा इनको बहुत है। देखें, बहुत से अब यंगस्टर जो हैं वो शॉर्टकट पीएसएल को समझते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पीएसएल की 4 विकेटें भी जो हैं आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है शोहरत देती हैं, मकबूलियत देती हैं, सिलेक्टर्स की नज़र में आते हैं, लेकिन आप रेड बॉल का जब रगड़ा नहीं खाया हुआ होता तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, फिर आपको इंजरीज होती हैं, वर्कलोड जब बढ़ता है। तो रेड, ये मोहम्मद अली की सबसे अच्छी बात यह है कि रेड बॉल क्रिकेट खेल कर आए हैं और खेलते रहे हैं, पाकिस्तान से भी खेलें तो उसका उनको फ़ायदा हुआ है। दूसरा, उसामा मीर वर्ल्ड कप में कामयाब नहीं हुए थे, एक उन पर टैग लग गया था, हालांकि वो उसामा मीर डोमेस्टिक के उस वक्त भी हाइस्ट विकेट टेकर थे, इस वजह से उनको सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वर्ल्ड कप में बहुत मायूस कौन परफॉर्मेंस रही उनकी। लेकिन अब उसामा मीर ने जो है वो अच्छी, अगर आप देखें उसामा मीर भी मुल्तान सुल्तान के, मोहम्मद अली भी मुल्तान सुल्तान के, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा, बॉलिंग यूनिट क्यों अच्छा है, बॉलिंग यूनिट उनकी जो दोनों वुमेन्स कोचेस जो हैं, स्पिन बॉलिंग कोच और फास्ट बॉलिंग कोच, उनको खासा तजर्बा है। ऐसा नहीं है कि उनको मुल्तान सुल्तान ने ऐसे कर लिया, उनको खासा तजर्बा है क्रिकेट का। और उसामा मीर ने कहा भी है कि हमें जिस तरीके से गाइडलाइन मिली है, वो कि उसामा मीर ने सईद अजमल से भी गाइडलाइन ली। अगर आप न्यूजीलैंड का टूर लें तो वहाँ सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच थे, वहाँ वो कह रहे हैं, उन्होंने भी बताया। लेकिन इस वक्त मुल्तान सुल्तान का जो बॉलिंग यूनिट सबको अच्छा नज़र आ रहा है, वो उनके वुमेन्स जो कोचिंग स्टाफ जो दो हैं, स्पिन की भी और फास्ट की भी, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और वो नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें अली तरीन को भी क्रेडिट जाता है, हालांकि जब वुमेन स्पिन बॉलिंग कोच का अनाउंस किया गया था कि ये मुल्तान सुल्तान की स्पिन बॉलिंग कोच होंगी कैथरीन, तो डिफरेंट ओपिनियन आ रहे थे कि यार खातून बॉलिंग कोच क्या होगा, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, अच्छा है वुमेन इन्वॉल्वमेंट अली तरीन की वजह से बढ़ रही है, लेकिन रिजल्ट से तो पता चल रहा है कि दैट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव।
देखें, अली तरीन ने ये नहीं देखा कि वुमेन है या मैन है, उन्होंने उनका करियर रिकॉर्ड देखा, उनकी जो है कोचिंग में स्किल देखी, उसके बाद हायर किया। ये हम लोग तो दरअसल बहुत अलग, जिस तरह आपने कहा हम नेगेटिव माइंड से देखते हैं, दूसरे से देखते हैं, उसको अभी हम उस पर हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन दोनों की स्किल्स थी, दोनों का कोचिंग का जो है तजर्बा था, और ये नज़र आया है मुल्तान सुल्तान की टीम में, और इसी वजह से उनका बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, बैटिंग यूनिट भी उनका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो अब तक टॉप के ऊपर है। लेकिन अब जो आगे मरहला शुरू होने वाला है PSL का, वहाँ गलती की गुंजाइश अब किसी के पास, जो नीचे टीमें हैं तीसरे और चौथे पे, उनको नहीं करनी। यस डेफिनेटली। और अगर बॉलिंग फिगर्स की लिस्ट में भी जाएं तो उसामा मीर नंबर 1 पे है, आरिफ याकूब हैं, देन नंबर 3 पे अबरार हैं, नंबर 4 और 5 पे मोहम्मद अली है। तो बात ये कीजिए, देखिए PSL वैसे हमारी नेशनल टीम जो है वो स्पिन बॉलिंग लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, स्पिन बॉलिंग अटैक काफ़ी वीक हो गई है पाकिस्तान टीम की, तो PSL में स्पिन बॉलर्स का इतना आउटशाइन होना, इज इट अ पॉजिटिव साइन फॉर द नेशनल टीम कि हमें स्पिन बॉलर्स मिल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से? बहुत अच्छा सवाल है और इस पर डिबेटेबल इशू है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप PSL के कोई ऐसा नहीं है कि 12 दिन बाद है या 2 हफ्ते बाद है, तो महीने बाद है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखें हमारे जो स्पिनर्स हैं शादाब खान, इमाद वसीम, वो इस वक्त इस लिस्ट में नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लोकल प्लेयर जो हैं, अगर आप बैटिंग में भी जाएंगे तो वहाँ भी हैं थोड़े टॉप के ऊपर, और बॉलिंग में तो हमारे लोकल प्लेयर टॉप पर हैं। वरना इससे पहले आप PSL जो होती थी माजी के अंदर, सारे फॉरनर्स बॉलर्स बैटर्स जो हैं वो टॉप पर होते थे, उनका इम्पैक्ट बहुत होता था। मैं देख रहा हूँ कि इस PSL के अंदर हमारे लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पिनर्स डिपार्टमेंट हमारे बहुत वीक है T20 के अंदर, और ये वर्ल्ड कप ODI उसमें भी नज़र आया। लेकिन हमें एक ऐसा ऑलराउंडर स्पिनर जैसे शादाब है, वो बैटिंग में कर लेता है, लेकिन वो नहीं चल रहा है वो एक अलग बात है। उसामा मीर और अबरार, इनको अगर अपनी बैटिंग पर थोड़ा फोकस कर लें और इसी तरीके से परफॉर्मेंस अपनी रखें, तो फिर कोई दूरी नहीं कि ये पाकिस्तान टीम में जगह बना लें। यस डेफिनेटली। वेल ये तो हो गई बॉलर्स के हवाले से बात, लेकिन अब किन बैटर ने क्या रिकॉर्ड बनाया है, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे, आइए एक नज़र डालते हैं मोस्ट रन्स स्कोर करने वाले बैटर्स, जिनमें नंबर 1 पे हैं बाबर आजम, ऑफ कोर्स पेशावर जलमी के कैप्टन। इन्होंने 5 मैचेस में 330 रन स्कोर किए, इनका हाईएस्ट स्कोर 111 रहा है, और 82.5 के एवरेज के साथ ये PSL में ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि नंबर 2 पे है HE वेंटर ड्यूसन, लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज, इन्होंने 6 मैचेस में 300 रन स्कोर किए, इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 104 और एवरेज है इनका 75। नंबर 3 पे हैंड्रिक्स मुल्तान सुल्तान्स के बल्लेबाज, 6 मैचेस खेले हैं और इन्होंने रन स्कोर किए हैं अब तक 286, इनका हाईएस्ट स्कोर आए 79 और एवरेज है इनका 57.2। एंड नंबर 4 पे है साहिबजादा फरहान, लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज, 6 मैचेस में इन्होंने स्कोर किया 239, इनका हाईएस्ट स्कोर आए 72 और इनका एवरेज है 47.8। एंड नंबर 5 पे है जेसन रॉय, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी, और इन्होंने 5 मैचेस में रन स्कोर किए हैं 200, इनका हाईएस्ट स्कोर है 75 विद द एवरेज ऑफ 40। सो ये हैं बल्लेबाज 5 जो इस PSL में अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर रहे हैं, लेकिन टॉप पे हैं बाबर आजम। बाबर आजम तो फिर बाबर आजम तो कोई बात ही नहीं है, और बाबर आजम इस PSL में बहुत ही अच्छा चल रहे हैं, उनका क्या ये कैप्टेंसी से थोड़ा रिलीफ मिलने का ये पॉजिटिव रिजल्ट है इनकी फॉर्म में आना? तो कप्तानी कर रहे हैं ना। हाँ, वो नेशनल टीम का जो प्रेशर होता है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी जाती राय है कि मुझे लगता है कि उनको कोई इस कप्तानी से ऐसा रिलीज मिला कि जिसकी वजह से वो फॉर्म में आ गए। कप्तानी उनकी अपनी जगह थी, और ठीक है बहुत से लोगों की राय है कि वो बहसियत कप्तान भी जो है सही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर वर्कलोड था या कप्तानी का बोझ था, लेकिन इस PSL में तो कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं और स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये बात तो वाजे हो गई कि बाबर आजम पे ये कहना कि कप्तानी की वजह से उनकी फॉर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ PSL में उन्होंने बता दिया कि कप्तानी के साथ फॉर्म जो है वो उसका कोई
तालमेल नहीं होती या उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो एक दोनों परफॉर्मेंस एक अलग है, कप्तानी एक अलग है। तो ये तो हो गया बाबर आजम के हवाले से, लेकिन आपने जिस तरह से बात की नीचे बाकी तीनों जो हैं वो रिजा हैंडिक्स ये लोग हैं, लेकिन असल जो हमें पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है जिन नंबर्स के ऊपर T20 में खास तौर पे वो है 5-6, 5-6-7 मिडिल ऑर्डर। तो यहाँ इफ्तिखार अब तक बहुत मेरे ख्याल से अगर आप इस ये निकालते हैं कि 5-6 नंबर या 7 नंबर पे कौन सा बेटर टॉप पर है तो वो ज़्यादा अच्छा हमारा डिबेटेबल इशू होता, क्योंकि वहाँ हमारी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है और वो अमूमन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जो है ऑलराउंडर हो कि वो बॉलिंग भी कर सके बैटिंग भी कर सके। तो इफ्तिखार अब तक है, आज़म ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है इस नंबर पे और दीगर ने भी की है, लेकिन मैं ये कहूँगा जितने बॉलर्स हों या बैटर्स हों T20 में इम्पैक्ट रोल किस खिलाड़ी का होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई खिलाड़ी 70-80 रन बनाए और उसकी टीम हार जाए तो वो कोई नहीं, और अगर कोई 5 विकेटें ले ले 6 विकेटें ले ले और उसकी टीम हार जाए तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक बॉलर जो है वो एक मैडन ओवर करा दे एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ टीम को रन चाहिए थे वहाँ बॉलर ने मैडन ओवर करा दिया या वहाँ बॉलर ने 2-3 रन दिए तो वो इम्पैक्ट बड़ा अहम होता है। या आप इफ्तिखार की इनिंग्स देख रहे हैं या रिजा की देख रहे हैं, बहुत सी जगह पे इनकी पोलार्ड की देख रहे हैं आपकी इम्पैक्टफुल इनिंग थी। तो T20 के अंदर वो एक लम्हा आता है जिस लम्हे आपने अच्छा जो भी क्लिक करेगा उस की पॉइंट के ऊपर की मोमेंट के ऊपर वो टीम जो है और वो खिलाड़ी भी क्लिक करता है, भले उस खिलाड़ी जैसे बहुत से बॉलर्स इसमें हैं ज़्यादा विकटें नहीं उनकी 3-4 विकटें हैं, बैटर्स ऐसे हैं ज़्यादा रन नहीं उनके 100-150 रन हैं, लेकिन वो उस की मोमेंट के ऊपर उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि उनकी वजह से टीम जीत गई। हो सकता है बहुत से ऐसे हों जिन्होंने अच्छे रन्स किए लेकिन उनकी टीम जो है वो नीचे है और खुद उनके बैटर्स या बॉलर्स ऊपर हैं। तो असल होता है कि इम्पैक्ट T20 के अंदर कौन सा खिलाड़ी किस वक्त करता है, की मोमेंट के ऊपर वो खिलाड़ी क्या कर रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यस डेफिनेटली इम्पैक्ट मैटर्स बिकॉज टीम के जीतने में जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस होती है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इमाद वसीम की खास के बात करूंगी, इस तरह डक पर आउट होना और ये रिकॉर्ड ऑफकोर्स उनके करियर के लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल 12 डक है इनके PSL के अंदर जो ये आउट हुए हैं और इमाद वसीम इस PSL में तो बिल्कुल बुझे नजर आए और अब तक सिर्फ 10 रन स्कोर किए हैं। 10 रन स्कोर किए ना उन्होंने बहुत अच्छी की बॉलिंग की और ना उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही। गो के अभी हाफ टूर्नामेंट हुआ है, अभी PSL आधा बाकी है, हो सकता है इमाद वसीम जो है मेजर एक बड़ा खिलाड़ी है, हो सकता है बड़े मैचेस में जो है एक आला परफॉर्मेंस दें, लेकिन इस या तो उनकी टीम चेंज हुई और वो जो इस्लाम उसमें टीम में गए हैं ऐसा लगता है बुझे से। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल या ना तो रिटायरमेंट के बाद एक होता है ना कि शायद पहले होता था कि हर खिलाड़ी जैसे हसन अली से कल हम बात कर रहे थे तो हसन अली ने कहा कि मेरे लिए ये PSL बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक यंग लड़का या यंग फास्ट बॉलर ये बात कर रहा है, लेकिन हसन अली जैसे तजर्बेकार ने कहा कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं T20 टीम में काफी अच्छे से नहीं हूं और मैं कम बैक करना चाहता हूं, तो उनमें हसन अली की मेहनत नजर आ रही है भड़क नजर आ रही है उनके अंदर और वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नजर आ रही है, ये बात इमाद में नजर नहीं आ रही। या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो कम बैक नहीं करना चाहते या तो क्योंकि रिटायरमेंट तो ले चुके हैं, उनका कोई इरादा नहीं है तो इस वजह से जान नहीं मार रहे इतनी ज्यादा, लेकिन अपनी टीम के लिए लीग में जान जरूर मारेंगे, आगे बहुत मैचेस हैं इमाद वसीम के, तो यकीनी तौर पर इमाद वसीम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना या बुझे रहना थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क तो है। या डेफिनेटली इट्स कंसर्निंग और उनके करियर के लिए ही ये अच्छी चीज़ नहीं है अगर वो आगे भी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। वेल तो ये थे सारे रिकॉर्ड्स जो बैटर्स बॉलर्स और ओवरऑल फील्डिंग को लेकर हमने बात की, लेकिन अब क्विकली हम डिस्कस करते हैं आज का मैच यानी मैच 19 जो कराची में खेला जाएगा। तीसरा मैच कराची अपने पहले दो मैचेस होम ग्राउंड पर हार चुकी है, नाउ इट्स रियली क्रूशियल फॉर देम टू विन दिस मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान जो कि एक ज़बरदस्त फॉर्म में हमें नज़र आ रही है, सिर्फ एक मैच हारी है, तो कराची किंग्स को मुल्तान सुल्तान का सामना करना जो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो ओवरऑल अच्छे चल रहे हैं, तो कराची किंग्स के लिए आप क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच? बहुत इंपॉर्टेंट, कराची किंग्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने होम ग्राउंड पर
ये मैच खेलना, दो अपने ग्राउंड पे हार चुकी मुल्तान सुल्तान, एक अच्छी टीम, उन्होंने मुल्तान में भी कामयाबी हासिल की। कहा जा रहा था कि मुल्तान सुल्तान अपने घर से बाहर आएगी तो चैलेंजिंग होगा, लेकिन लाहौर में उन्होंने मैच जीता। और यहाँ भी कराची में देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान क्या करती है। कराची किंग के लिए बड़ा झटका ये है कि पोलार्ड उनके नहीं हैं, जो ऐसे मौके पर हमेशा उन्होंने क्रूशल इनिंग्स खेली हैं। पोलार्ड ने जाकर एक तो वो नहीं है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच के अंदर, और बाकी उनके सारे खिलाड़ी डिप्लॉय उपलॉय वो हॉस्पिटल से वापस आ गए, फिट है, कल ट्रेनिंग में हमें नज़र भी आए, एक्शन में नज़र आए। तो कराची किंग को कमबैक करना होगा, वरना लाहौर कलंदर की तरह जो है वो फिर नीचे ही चली जाती रहेगी और फिर मौके मिलेंगे नहीं बाद में। या डेफिनेटली, और एक तो इस्लामाबाद और कराची किंग्स चल भी साथ साथ रहे हैं, ये अच्छा मौका है ये मैच जीत के, उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट अवे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स के 4 पॉइंट्स हैं। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन अपॉर्चुनिटी फॉर द कराची किंग्स के मैच जीतें, अपना नेट रन रेट और इस्लामाबाद से आगे बढ़ें। सो खैर ये है सारी चीज़ें, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को एक बूस्टर भी मिला है, उनको विकेट कीपर बैटर भी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो मजीद ताकतवर होते जा रहे हैं। तो बस हम कराची के लिए दुआ करेंगे, कराची वाले ताकतवर भी होते जा रहे हैं। दूसरा, मुल्तान सुल्तान के पॉइंट्स हैं, अलग है जो टीम बहुत टॉप पर होती है, लेकिन मुझे किसी मैच के अंदर भी वो जो है ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया मुल्तान सुल्तान। वो हर मैच में ऐसे खेले कि जैसे वो है सबसे बॉटम पर है और उसको ऊपर आना है, लड़ती हुई नजर आई है। ये बहुत अच्छी टीम है, अब ये रिजवान ने पैदा की पाकिस्तान टीम के अंदर, ये जो आखिरी बॉल तक लड़ना, हालांकि जितने पॉइंट हैं एक दो मैच उनके लूज भी हो जाते हैं तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं हर मैच में, वो इस दो दो पॉइंट जिस तरह हासिल कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान नजर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मसला यह है कि मुल्तान सुल्तान बड़े मैचेस जब आएंगे, प्ले ऑफ मैचेस, एलिमिनेटर मैचेस, वहाँ फिर मुल्तान सुल्तान का इम्तिहान होगा, क्योंकि वहाँ फिर जो बॉटम की टीम भी होती है या मिडिल की टीम भी होती है, वो अपनी पूरी जान लगा रही होगी। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। वेल, मुल्तान सुल्तान का ये पहला मैच है कराची में, लेट्स सी। लाहौर में भी उन्होंने एक जीत अपने नाम की, अब कराची में वो किस तरह एक्शन में नजर आते हैं देखा जाएगा आज नेशनल स्टेडियम में 7 बजे। सो आप सब भी जाइएगा, जिस जिसके लिए पॉसिबल है, जो जो वक्त पे पहुंच पाए वो मैच ज़रूर देखें। ट्रैफिक में फंसना एक बड़ा मसला है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन अब हमारी मुलाकात होगी फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ मैच 19 जो कि आज खेला जाएगा, लेकिन हम आपसे बातचीत करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।